नमस्कार दोस्तों, हम आज देखने वाले हैं कैसे हम अपने ब्राउजर के अंदर कोई भी एक वेबसाइट को ब्लॉक करेंगे। उससे पहले हम आपको अपना ब्राउजर चेक करके दिखाते हैं जो वेबसाइट को मैं ब्लॉक करने वाला हूँ। मुझे यहाँ पे YouTube ब्लॉक करना है, तो मैं यहाँ पे YouTube टाइप करके एंटर करता हूँ। आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे YouTube अभी ओपन है। यहाँ पे अभी YouTube ये खुल रहा है और मैं Facebook भी वैसे ही आपको दिखाना चाहता हूँ। Facebook और YouTube को हम ब्लॉक करेंगे अपने ब्राउजर के अंदर। इससे पहले हम चेक कर लेते हैं ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। मेरा यहाँ पे नेट कनेक्टेड है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चल रहा है। इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इस दोनों वेबसाइट को हम ब्लॉक करके आपको दिखाएंगे। स्टार्ट मेनू, अब नोटपैड में जाना है हमें। नोटपैड को राइट क्लिक करते हुए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे क्लिक करेंगे। दोस्तों ये विंडोज कोई भी विंडो में काम करेगा। आप अगर विंडोज 7 चला रहे हैं या तो फिर विंडोज 10, दोनों में ही ये काम करेगा। इसको यहाँ पे यस करना है। यस करने के बाद हम फाइल में जाएंगे और ओपन करेंगे। ओपन में हमें जाना है सी ड्राइव, जिसमें हम विंडो इंस्टॉल करके रखते हैं। अब सी ड्राइव हो, डी ड्राइव, आपका कोई भी ड्राइव हो, आप इसके अंदर जाना है पड़ेगा। विंडोज के अंदर सी ड्राइव के अंदर जाने के बाद हमें यहाँ पे विंडोज आएगा। विंडोज के अंदर जाना है। नीचे आने के बाद हमें दिखाई देगा सिस्टम 32, क्योंकि हम लोग हर तरह का प्रोग्राम जो कि सिस्टम 32 के अंदर होते हैं यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। इसको हम ओपन करेंगे। इसके अंदर ड्राइवर करके एक फोल्डर हमें मिलेगा, उस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। ड्राइवर्स यहाँ पे देख रहे हैं। इसके अंदर जाने के बाद ETC जो फोल्डर है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। और इसके अंदर अभी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, हम यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की जगह में ऑल फाइल करेंगे। यहाँ पे हॉर्स करके जो हमें दिखा रहा है इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। फाइल अभी ओपन हो चुका है, इसको हम बड़ा करेंगे। इसमें दोस्तों हमें कुछ भी नहीं करना है, जो जैसा है वैसे ही रहेगा। लास्ट वाला जो पार्ट हमें यहाँ पे 127.0.0.1 लोकल हॉस्ट जो दिखाई दे रहा है इसको हम चेंज करेंगे। तो यहाँ से हम पूरा कॉपी ले लेंगे। दोस्तों याद रखिएगा कि जो यहाँ पे हैश दिया हुआ है इसको भी लेना है अब। और यहाँ पे हमें एक एंटर करना है। कॉपी जो लिए थे इसको हम पेस्ट करेंगे। यहाँ पे ये हैश को हम हटा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे जो एक नंबर पे है इसके बाद इसको दो नंबर चेंज करेंगे। दो नंबर के बाद हम यहाँ पे www.facebook.com, इसके बाद फिर से हम एंटर देंगे। जो कॉपी किए थे उसको पेस्ट करेंगे। हैच को यहाँ से डिलीट करेंगे और इसको हम तीन नंबर करेंगे, क्योंकि हमें सीक्वेंस नंबर वाइज चाहिए। फिर हम यहाँ पे उसी तरह का दोहराएंगे, www.youtube.com करेंगे। इतना होने के बाद हमें और कहीं कुछ नहीं करना है दोस्तों। फाइल में जाना है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। मिनिमाइज करके हम इसको देखते हैं, जो अभी हम फेसबुक खोले थे बगल में इसको क्लोज कर देते हैं। आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे नेट कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ पे फेसबुक ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे देखते हैं क्या रिजल्ट हमें शो कर रहा है। देख सकते हैं दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। इसके बाद हम देखेंगे बगल में, अभी हम यहाँ पे YouTube देखने वाले हैं। अभी हम यहाँ पे YouTube देखेंगे। YouTube का साइट भी यहाँ पे है, मेरा पहले से आ चुका है। आप देख सकते हैं दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। अगर हम इसको अगर फिर से रिस्टोर करना चाहेंगे, तो जो हम मिनिमाइज करके रखते थे उसको ओपन कर देते हैं। और ये जो ये दोनों साइट है उसी तरह का हम ये दोनों साइड में, मान लीजिए कि मैं ये एक साइड को अभी डिलीट कर देता हूँ, और डिलीट करने के बाद वही सेम फाइल, फाइल में जाने के बाद हमें सेम सेव करना है और इसको मिनिमाइज करना है। देख सकते हैं यहाँ पे हम फेसबुक ब्लॉक करके रखते हैं, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और फेसबुक को हम फिर से एंटर करते हैं। सॉरी
सॉरी मेरा यहाँ पे फेसबुक ब्लॉक था, गलती में कर दिया, मैं अभी यूट्यूब ओपन। दोस्तों आप देख रहे हैं YouTube अभी लगभग खुल चुका है, तो यानी कि मेरा अभी सिर्फ Facebook ब्लॉक है। अगर मैं Facebook को फिर से हटाना चाहूँगा तो आप यहाँ से फिर सिलेक्ट करते हैं, फिर से हटाइए, सारे चीज़ को जैसा था वैसे रख दीजिए, फिर इसको सेव करिए और इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज कर देने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मेरा YouTube चल पड़ा, अभी Facebook भी हम एंटर करेंगे, यानी कि मेरा Facebook भी अभी खुल जाएगा। थोड़ा सा नेट यहाँ पे अभी स्लो है तो इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चल पड़ा है। दोस्तों ये अभी अपना अपना काम अभी देख रहे हैं, अपना ये ट्रिक काम कर रहा है। अगर आपको चाहते हैं कि आप इस तरह का वेबसाइट को ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप ब्लॉक कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपको कैसा लगा हमें आप कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।